अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चलें इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून हमारे पास ईस्ट है, 1 टी स्पून शुगर लिया है मैंने, 1 अंडा है, अगर बड़ा अंडा हो तो आप हाफ डालिएगा, मेरे पास छोटा था इसलिए मैंने 1 ले लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल करें। चिकन तैयार करने के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, 250 ग्राम मैंने चिकन ले ली है, 1 टीस्पून मैंने अदरक और 1 टीस्पून लहसुन लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून दही ली है, पैकेट का टिक्का मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है हमारे पास और नमक हसबे जायका। ये ऑयल है, ये हम 2 से 3 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस है हमारे पास, ये मेरी होममेड सॉस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओरिगानो है हमारे पास, थोड़े से वेजिटेबल लिए हैं मैंने, इसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, ग्रीन ऑलिव है और ब्लैक ऑलिव। चलें अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैं अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर देती हूँ। ये मसाला हमारे पास टिक्का मसाला जो मैंने लिया था, दही ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और ये सारे मसाले इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं। चिकन हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे हम मैरिनेट के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। चलें डो तैयार करने के लिए मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ, ये चीनी हमारे पास ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, ईस्ट इसे भी शामिल कर देती हूँ, ये अंडा है हमारे पास अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। टू टेबल स्पून ऑयल ले लेती हूँ मैं, इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। नीम गरम पानी ले लिया है मैंने, मैं इससे एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। देखिए माई डो जो है वो तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे ऑयल लगा के 2 घंटे के लिए रख दूंगी। और अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। पैन में हम तेल डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं, हमने मैरिनेट करके चिकन रख ली थी। चिकन को हम थोड़ा चला लेते हैं। चिकन में हम पानी शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे 8 से 10 मिनट पका लूँगी ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है, पानी भी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ी देर भून लेती हूँ।
देखें चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए डो हमारा अच्छा सा राइस हो चुका है। इसे हम पंच करते हैं, इसके एयर निकाल लेते हैं। अब हम इस पे मैदे को थोड़ा डस्ट कर लेते हैं। इसे बेल लेती हूँ मैं थोड़ा। इसको हम पैन के हिसाब से बेल लेंगे, जितना बड़ा हमारा पैन है। पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें इसकी बेस को डाल देती हूँ। हम इसे हाथ से सेट कर लेंगे। देखिए इसे हम पैन में अच्छी तरह सेट कर लेंगे बेस को। देखिए बेस जो है वो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। देखिए मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा दिए। अब मैं इसमें थोड़े से मोज़रेला चीज़ डाल लूँगी। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। देखिए इसमें मैंने चिकन डाल दिया। इसमें हम फिर चीज़ डाल देते हैं, ये मोज़रेला चीज़ है। मैंने हाफ कप जो है वो मोज़रेला लिया था और हाफ कप चेडर चीज़ ले लिया था। थोड़ा इसमें चेडर चीज़ डालते हैं। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ मैं। और अब मैंने इसमें ये जो वेजिटेबल रखी थी ये डाल दूंगी मैं। मैं हाथ से हल्का सा प्रेस कर देती हूँ इसको। मैं इसमें ऑलिव रख देती हूँ। अब थोड़ा सा हम ऑरिगानो डाल देते हैं इसके ऊपर। पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए तैयार है। अब हम इसे ओवन में रख देते हैं। पिज़्ज़ा अब हम बेक कर लेते हैं। ओवन मैंने 30 मिनट पहले जो है वो प्रीहीट कर लिया था। अब इसे हम ओवन में डाल देते हैं और तकरीबन 35 से 40 मिनट मैं इसे बेक करूँगी। पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बेक हुआ है हमारा। पिज़्ज़ा हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।